ठीक है बच्चों, यस सर। ओके, कल हमने ये यहां तक ये पैराग्राफ खत्म कर लिया था और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि किसी भी मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर रहती है। वो तीन बातों में पहली बात थी शारीरिक वंश परंपरा, इस पर हमने कल डिस्कस किया। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीन बातों के कारण ही मनुष्य की क्षमताएं किसी की कम किसी की ज्यादा होती हैं। तो उनकी इस क्षमताओं के आधार पर हमारे द्वारा उनके ऊपर से जो व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार से ये शारीरिक वंश परंपरा के द्वारा जो उनको मिला वह व्यवहार उनके साथ उचित नहीं। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार में जो उनके उनको मिला वो भी उसके साथ भी उनका व्यवहार उनका उचित नहीं है। मनुष्य के अपने प्रयास ये कुछ हद तक उनके लिए ठीक है, लेकिन सबको एक तराजू में तौल लेना ये कहीं का न्याय नहीं है। यही पर लेखक का जवाब है कि समता का विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है, वो इसका मुझे एक माकूल या सही जवाब दे दें तो मैं मान लूंगा। इसके आगे हम प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण है, उसने असमान प्रयत्न किया है तो उसके साथ असमान व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता। भाई आपके पास शारीरिक क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, सब कुछ है, और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपके साथ अगर कोई असमान व्यवहार करता है तो वो अनुचित नहीं। हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। आपने भी देखा होगा कि एक पिता की चार संतानें, दो संतानें, तीन संतानें, जितनी भी संतानें होती हैं उनको वो समभाव से एक प्रकार की शिक्षा जैसा वो चाहते हैं वैसा देता है, सबके ऊपर एक समान धन खर्च करता है, धन परिश्रम जैसा भी वो उचित मानते हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन उस पिता की सभी संतानें, दो तीन चार जिनकी होती हैं, वो सभी संतानें एक जैसी नहीं होती। कोई ज्यादा पढ़ लिख जाती है, ज्यादा समझदार हो जाती है कोई संतान, कोई कम पढ़ लिख जाती है, कोई बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है क्योंकि उसका पढ़ने मन नहीं लगता है। तो यहां पर ही कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का प्रोत्साहन देना उचित है। सबको हम बराबर सम्मान देते हैं, बराबर उसका उत्साह वर्धन करते हैं, परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? अगर दो बातें जो कहीं शुरू में किसके साथ शारीरिक परंपरा का और सामाजिक विकास का जो परंपरा उसके साथ आई, अगर वो असमान है तो उसके साथ क्या असमान व्यवहार करना उचित है? क्या जो ये बातें दो लिखी हैं, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, इसमें अगर वो इससे असमान है मनुष्य के अपने प्रयास से, तो क्या हम उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार करें? नहीं, ये गलत है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वो लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। अगर हम अभी चर्चा करें उत्तम व्यवहार की, तो सीधी सी बात है जो अन्य लोग हैं वो बाजी मार ले जाएंगे, आगे हो जाएंगे, जिनमें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यवहारिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। भाई किसी व्यक्ति के पूर्व जीवन काल में जिनके माता पिता बाप दादा सिखाई कई बातें हैं, उनके पास धन है, दौलत है, पैतृक संपदा है, पर्याप्त ख्याति है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा है, सीधी सी बात है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, एक सेठ का लड़का अगर अपने दुकान को अच्छे से चलाएगा, थोड़ी मेहनत करेगा उसमें, तो उसको क्योंकि उसकी ख्याति मिली हुई है, उसको एक सम्मान मिला हुआ उसके बाप दादों से,
तो उसको अपनी दुकान को स्थापित करने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसको क्या मिला है, पारिवारिक संपदा मिली हुई है, पारिवारिक ख्याति मिली हुई है। लेकिन अगर किसी को पारिवारिक ख्याति नहीं मिली, पारिवारिक संपदा नहीं मिली, तो क्या उसके साथ हमारा अनुचित व्यवहार अर्थात उसको पर्याप्त सम्मान ना देना, क्या उसके साथ ये व्यवहार उचित है? नहीं। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय लेना होगा। ये बात समझ में आ रही है कुलदीप? कुलदीप दृष्टि? यस सर। ये बात समझ में आ रही है कि बात किस अर्थ में कही जा रही है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आ गया सर। आ गया। ओके। तो ये कहा कि जिन लोगों के साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठा, पैतृक संपदा, पारिवारिक ख्याति, पारिवारिक जिनके पास है उनके साथ उचित व्यवहार करना, और जिनके पास ऐसा नहीं है उनके साथ अनुचित व्यवहार करना ये उचित नहीं है, ये निष्पक्ष निर्णय नहीं है। और क्यों? क्योंकि ये सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय होगा। जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनके पक्ष निर्णय हो गया, वही लोग अच्छे, बाकी सब लोग बेकार। अतः न्याय का तकाजा यह है कि हम जहां तीसरे प्रयास, जो प्रयासों की असमानता है, जो मनुष्यों को अपने वश की, मनुष्य के अपने वश की बात है, जो तीसरा पार्ट है मनुष्य के अपने प्रयत्न, एक ये था, दूसरा सामर्थ्य को अधिकार था, और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न थे जिनकी, जो मनुष्य की क्षमताओं पर प्रभाव डालती हैं। तो लेखक कह रहा है कि जो उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निर्णय पूर्ण संभव नहीं है, तो इसलिए यहां पर किनको हकदार माना, जो वास्तव में तीसरा जो पार्ट है प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने बस की बात है, आधार पर मनुष्य के असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधार पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो हिस्सा है, उसके आधार पर आप बात करिए, मनुष्य के अपने प्रयास, जिन्होंने खुद प्रयास किया है, खुद कोशिश की है और अपना एक अपना एक नाम कमाया है, उस समय उनके साथ सबके साथ वैसा व्यवहार हो, उनको आप अलग कर दीजिए, उनकी गणना अलग कर दीजिए, उनकी गणना अलग कर दीजिए। तो जो लोग अपने खुद के प्रयासों से अपनी दुकान कमाते हैं, अपना सम्मान बनाते हैं, अपने इज्जत कमाते हैं खुद की मेहनत से, उनके साथ वैसा उनका व्यवहार होना चाहिए। और हम ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। अगर आप जो दो ऊपरी भाग थे, पहला भाग पारिवारिक वंश परंपरा और सामाजिक संपदा, अगर इनको आप उनके साथ जो तीसरी परंपरा है, तीसरी परंपरा के साथ इनको आप जोड़ना चाहते हैं, समानता उनके साथ दर्शाना चाहते हैं, एक बार इनको भी उनके जैसे मौके दे के देखिए। जब आप शुरुआती दो प्रकारों में तीसरे प्रकार को भी वैसा ही मौका देंगे, फिर अगर वो नहीं करता जिम्मेदारी, लेकिन एक बार उनके समान उनको अवसर जरूर दिए जाएंगे, तो अवसर दिए जाएंगे तो वो वैसा करके दिखाएंगे। हाँ, समान व्यवहार, समान अवसर आप दीजिए, उसके बाद नहीं करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी। ठीक, ये दूसरा विषय हो गया। अब तीसरा जो टॉपिक है, जो समता है, समता का औचित्य यहीं पर, जो बात हमने बता दी यहीं पर समाप्त नहीं होती है।
इसके और भी आधार उपलब्ध हैं। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं चुनाव आने वाला है, वोटिंग शुरू होने वाली है कुछ दिनों बाद। तो जो चुनाव होने वाला है उसमें आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के उम्मीदवार अपने आप को खड़ा पाते हैं, अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं। राजनीतिज्ञ पुरुष उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लाखों लोगों से उसको संपर्क बना के रखना है, बहुत बड़ी जनसंख्या उसका पाला पड़ना है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वोट बैंक में कुछ अमीर भी होंगे, कुछ मध्यम वर्ग के भी होंगे, कुछ गरीब होंगे और कुछ निहायत गरीब होंगे। अब इस समय जो भी प्रत्याशी मैदान में खड़ा है किसी पार्टी का, उसको आप देखिए उसके साथ हम किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं उससे। हमको ये सुविधाएं देगा, ऐसी सुविधाएं देगा, ये भी देगा, ये चीज ही करेगा, हमारे ये काम करेगा। लेकिन उस एक प्रत्याशी के पास उसके लाखों वोटर के लिए समय नहीं होता है कि वो पहचाने कि वास्तव में मेरे किस वोटर को, किस वोटर समूह को क्या चाहिए है, इस वोटर समूह को क्या चाहिए है, इस वोटर समूह को क्या चाहिए है, वो समय नहीं होता उसके पास। ना तो व्यक्तियों की क्षमताओं की उसकी जानकारी होती है कि ये वर्ग कितना काम कर लेता है, ये वर्ग कितना काम कर लेता है, इस वर्ग को मुझे क्या देना है, इस वर्ग को मुझे क्या देना है, उसके पास कोई ऐसा फंडा नहीं होता है। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और अचूतपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। उसके बाद भी जो प्रत्याशी होता है वो कहता है सबके लिए ये करूंगा। इस आधार पर कि एक वर्ग उसका वोटर गरीब है, एक वर्ग अमीर है, तो वो सबसे सबके लिए अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता। भले ही उसके जो वोटर है वो करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करता। वो कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं ये करूंगा, वो सबके लिए होगा, वो काम सबके लिए होगा, वो भी अपेक्षा से नहीं करता, वो भी ऐसा निर्णय कुछ नहीं सुनाता है। ऐसे स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार एवं व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वो क्या काम करता है, सब मनुष्यों के लिए एक व्यवहार करता है, वो चाहे कम क्षमता वाला हो, ज्यादा क्षमता वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, अति अमीर हो, अति गरीब हो, कोई भी हो, वह वहां पर किसी प्रकार का अलग व्यवहार उसके साथ नहीं करता। आगे देखें, राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। अगर वर्गीकरण श्रेणीकरण संभव होता तो ऐसा करता, लेकिन वर्गीकरण श्रेणीकरण संभव नहीं था, इसलिए उसने वैसा रास्ता चुना, सबके साथ एक समान व्यवहार कर दिया, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर दिया। ये केवल एक चुनावी दौर की बात है। अगर ये व्यवहार सबके जीवन काल में सामान्य रूप में ऐसा ही होने लगे तो शायद कुछ समाज का जो स्वरूप है वो अलग हो जाएगा। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, क्या हम इस जो उदाहरण जो मैंने दिया इसके अलावा किसी अन्य जगह पर समता पाते हैं? इस पर आता है तो हम चयनित करके लाते हैं, तो क्या हम वही भार दोबारा से पाते हैं?
शायद कभी नहीं। फिर जीतने के बाद फिर वो बंटवारा करता है, मेरा वर्ग कौन मजबूत है, मजबूत को और मजबूत करना है, कमजोर को और कमजोर करना है, व्हाट अबाउट द मैटर। वो दोबारा दोबारा से वही काम करता है। फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि सही यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। अगर वह ऐसा काम नहीं करेगा, सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं करेगा, तो वह व्यवहारिक नहीं होगा। व्यवहारिक जो उसने काम किया वही है उस समय, बाद में व्यवहारिकता बदल जाती है, व्यवहारिकता का स्वरूप बदल जाता है और इसी कारण उसको उसके काम करने का तरीका, नजरिया और दृष्टिकोण सब बदल जाते हैं, क्योंकि उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी बची थी। यहीं से ये पाठ समाप्त होता है। किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो बताएं। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। श्रेया? नो सर। कोई क्वेश्चन है किसी का? और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम क्लास ही समाप्त करें, अगली क्लास में अगली। ओके, चलिए यहाँ पर हम यही क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर।